और ये है मैट लुक का, ये वाला शेड है, और ये मेरी शादी के टाइम का है, पता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं होता, तो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी लग रही हूँ ना, गोरी गोरी सी हो गई हूँ मैं फटाफट से। मैं कैसे तैयार होती हूँ? हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है, व्लॉग की स्टार्टिंग अभी आपके सामने कर दी है मैंने। घर की साफ सफाई हो चुकी है, मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। बाकी दिन भर जो भी होता रहेगा दिखाती रहूंगी आपको इस व्लॉग में, बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। वरदाती कमला कल्याणी, चार भुजाओं वाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली। नमन तुझे है भक्त जनों की, नमन तुझे है भक्त जनों की, रक्षा करने वाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली। महिषासुर को मार के मैया, रणचंडी कहलाई जी मैया, रणचंडी कहलाई। ध्रुम विलोचन चंड मुंड का, नाश किया महामाई जी मैया, नाश किया महामाई। धर्म ध्वजा महाकाल कने है, धर्म ध्वजा महाकाल कने है, अपने हाथ संभाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली सदा ही, जय हो तेरी महाकाली। जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ। आलू मटर की सब्जी के साथ सिंपल परांठे यहाँ पर किया जा रहा है ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक। तैयार ऑफिस जाने के लिए? बिल्कुल। जोशी जी जा रहे हैं अभी ऑफिस। बाइक वाले भैया के साथ जा रहे हैं जोशी जी। यहाँ पर अभी मैं भी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इसलिए मटर और आलू की सब्ज़ी में थोड़ी सी मलाई मिला दी अभी मैंने। घर में अभी हम सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यहाँ पर बर्तन साफ किए जा रहे हैं। ये मेरा जुखाम कब मुझे छोड़ेगा, टन टन। तो YouTube फैमिली, फिलहाल घर का सारा कामकाज निपट चुका है। अभी एक बार फिर से आपके सामने हूँ। ट्रायपॉड पे मैंने लगा दिया है अपना फ़ोन, कैमरा कर दिया है ऑन। वाह 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 वाह, राइम बन गई। और सामने रिंग लाइट जल रही है और यहाँ पर बड़ी वाली लाइट जल रही है। तो सेटअप लगा के एक बार फिर से मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी अभी मैं, बस समझ नहीं लग रहा था क्या चीज़ ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। तो आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी। चार पांच लगातार कमेंट्स ऐसे आए कि दीदी आप अपना मेकअप शेयर कीजिए, आप क्या मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कैसे आप अपना मेकअप करते हो। और ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आपको बहुत बार बोल दिया कि आप मेकअप की वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, आप नहीं बना रहे हो, आपके फेस पे आजकल कुछ अलग ही इंस्टेंट ग्लो आया है, पिछले कुछ व्लॉग्स में आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से जब से मैं पटियाला से वापस आई हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपका फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, आप क्या लगा रहे हो, बताओ बताओ करके। तो नॉर्मली जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, पहले भी मैंने आपके साथ एक बार अपना पूरा मेकअप जितना भी सामान मेरे पास है सब कुछ शेयर किया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका, वो भी आप देखना। और उस समय जब मैंने सामान शेयर किया ना, सच बताऊँ तो मुझे खुद को इस बात का एस्टिमेट नहीं था कि मेरे पास इतना सारा मेकअप का सामान पड़ा है, या मेरे पास इतने सारे हेयर बैंड्स पड़े हैं, इतने सारे रबर्स पड़े हैं। वो तो जब यहाँ पे ऐसे मैंने रखा ना सामान, पूरा बेड भर गया, तब मुझे पता लगा कि आरती तेरे पास इतना मेकअप है। कई बार होता है ना कि चीज़ें हमारे पास होती है, वो भी हमें पता नहीं होता कि क्या क्या हमारे पास है क्या क्या नहीं, जब चीज़ें निकालो इकट्ठी करो तो पता लगता है उन चीज़ों का। तो यही वाला सीन था। तो अभी जो कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ या करती हूँ ऑलमोस्ट डेली में, या कभी कभार मूड पर डिपेंड करता है, और अगर तबीयत सही सी नहीं है तो मैं मेकअप नहीं भी करती हूँ। अगर मूड कई बार मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मेरे मूड स्विंग्स का कुछ पता नहीं लगता, मैं ऐसी हूँ, पता नहीं सभी ऐसे होते हैं, आप बताना कमेंट्स करके। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब मेरे मोस्टली ऐसा होता है, जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मैं अपने आप को सजाने लग जाती हूँ कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ जाए, और फिर जब मैं बाहर निकलती हूँ सब मुझे पूछते हैं कि आरती कहीं जाना है, कहीं जा रही है तुम स्पेशल तैयार हो रखी हो करके। तो मेन बात ले देखे ये है कि भैया तुम खुद को खुश रखो, कि
क्योंकि दुनिया को खुश रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो आपके कमेंट्स की रिप्लाई करते करते ही अभी ये वाला आइडिया मुझे आया, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स। और इसके साथ ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जो सामान आप छुपा रहे हो वो खोलो, तो आज ये जो मेरा खजाना है जो आपको लग रहा है कि आपकी दीदी ने आपसे छुपा के रखा हुआ है वो मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ। इसके साथ ही ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, पीछे से मैंने मेकअप खरीदा था आपको पता है, तो आप उनने उस मेकअप में क्या क्या खरीदा था, क्या क्या चीज़ें हैं। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि दीदी जो नया मेकअप लेके आई है दीदी वो लगा रही हैं, इस वजह से दीदी का फेस जो है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो वो वाले मेकअप प्रोडक्ट भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंट खरीदे हैं। और मैं सच बता रही हूँ इनमें मैंने लिपस्टिक के अलावा और कुछ भी नहीं खोला, कुछ भी इनमें से भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो अभी चलो पहले आपको मैं मेकअप की चीज़ें दिखाती हूँ, फिर हल्का सा जो मैं मेकअप करती हूँ जिस तरीके से वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप जैसे शादी वगैरह में जाते हो आप पार्लर में तो बहुत रेयर तैयार होते हो। सच्चाई है ये मेरी ज़िंदगी की, मैं मेरी शादी तक मैं पार्लर में तैयार नहीं हुई थी, मेरे घर पे आए थे मुझे तैयार करने के लिए। और दीपा दीदी की शादी में पहली बार मैंने पार्लर वाली फुल फ्लैश फीलिंग ली कि अच्छा पार्लर में ऐसा फील होता है करके, उससे पहले मैंने मेकअप नहीं करवाया था पार्लर में कभी भी। तो मैं खुद से ही तैयार होती हूँ, गांव हम उत्तराखंड गए थे, तो बात ये है कि अपने लाइक तो मैं आना चाहिए, हर जगह पे हर फैसिलिटी नहीं होती है और हर बार अपना बजट भी उतना नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली से है, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं है, जो है जैसे सिंपल है आपके सामने है। तो चलिए ज़्यादा देना करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी ये है मेरे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जो मैं अभी आपके सामने शो करने लगी हूँ, कैसे मैं इनको यूज़ करती हूँ, क्या क्या ये चीज़ें वन बाय वन दिखाऊंगी अभी आपको। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ मैं जो मैंने न्यू रिसेंट खरीदे थे, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये लूज़ पाउडर है। वैसे मैं फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, वो आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, लेकिन फ़िलहाल ये वाला मैंने लूज़ पाउडर ख़रीदा है पहली बार, तो अभी ट्राई नहीं किया। आप देख सकते हो पन्नी वन्नी इसकी देखो सारी बंद है, पूरा पैक है ये, अभी ये ओपन ही नहीं किया है मैंने। और ये है मैट लुक का, ऐसी इसकी शेप है, जब यूज़ करूँगी तो आपको बता दूँगी, फ़िलहाल ये मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। ये फाउंडेशन है, ये न्यू फाउंडेशन है, ये भी आप देख सकते हो पूरी पैक है, कहीं से भी खुली नहीं हुई, पन्नी चढ़ी हुई है इसके ऊपर अभी भी। और ये मार्स की है मैट फाउंडेशन, अभी ये भी मैंने यूज़ नहीं की है। तो जो न्यू प्रोडक्ट मैं लेके आई थी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि भैया ये मैं आपको जो लग रहा है कि दीदी के फेस पर ग्लो आ रहा है, दीदी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैं लाई हूँ प्रोडक्ट लेकिन फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं की है ये। इसके साथ ये लेके आई हूँ हाइलाइटर, मैं हाइलाइटर मेरा था ये ना कुछ उसमें छोटा वाला हाइलाइटर था, बहुत प्यारा था, वो भी एक में ही मतलब हो जाता था सेट सिस्टम और बहुत प्यारा ग्लो आता उससे भी, लेकिन वो कुछ उसे ना टूट गया मेरे से नीचे गिर के, तो फिर मैं न्यू लेके आई हूँ। और ये भी मार्स का ही है, ये शेड है इसमें देखिए, अभी ये भी यूज़ नहीं किया मैंने, अभी ये भी ओपन नहीं किया, ये भी बंद है देख लो। ये मेरा एक मश्कारा है ये आपके साथ, ये है स्विस ब्यूटी का, इसके साथ का मेरे पास पहले भी था, पहले भी मैंने यही यूज़ किया, दोबारा भी मैंने यही लिया है, मुझे अच्छा लगा ये। और इसके साथ ये तीन लिपस्टिक्स लेके आई थी मैं, अभी ये दिखाने लगी हूँ आपको, इस वाले की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी आपने इसलिए सबसे पहले ये दिखा रही हूँ। ये है सी वी बी की और क्रिम्सन रेड, 9 नंबर है ये, 9 नंबर है ये वाला शेड है, और आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि शेयर करना कौन सा है करके, तो ये अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, सच में पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उसका स्टेप भी काफ़ी अच्छा है। और ये मार्स की है, 2 नंबर। आपके काफ़ी कमेंट आए थे ऐसे कि दीदी आप थोड़े से हल्के कलर यूज़ करना स्टार्ट करो, लिपस्टिक के शेड हल्के वाले लगाओ, तो इसलिए मैं ये लेके आई थी। एक ये वाला शेड है हल्के वाला, काफ़ी प्यारा लगता है मेरे को, न्यूड कलर है ये, और ये 2 नंबर का है। और ये एक है 12 नंबर का, ये हल्का ब्राउन शेड है, ये भी मुझे किसी ने कमेंट में बोला था दीदी हल्का ब्राउन शेड आप ट्राई करना करके। तो ये जो मेकअप है, ये लिपस्टिक्स तो मैं तीनों यूज़ कर चुकी हूँ, ये तीनों मैंने लगा ली हैं, तो ये तीनों मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी। ये जो सामान है ये न्यू सामान है जो मैं अभी लेकर आई हूँ, और इसके अलावा जो मैं डेली यूज़ में नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें वो भी आपको मैं दिखाने लगी हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो कौन सी है, रिसेंट मैं ये वाली फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मियोन की है ये, बस खोलो लगा लो। मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ, शुरू से ये यूज़ किया तो ये यूज़ करती हूँ। और ये मेरा पैलेट ये भी आपने बहुत बार ब्लॉग में देखा हुआ है, ये है मेरे पास, और एक छोटू वाला ये है, ये मेरी शादी के टाइम का है पता है, इसका ना शीशा टूट गया, ये भी कुछ तुम्हारा आज नहीं तोड़ा है ये देखो, लेकिन सब ओके, अंदर का सामान ओके, बस ऊपर का शीशा टूट गया इसका। तो ये भी है, ये भी है, और इसके अलावा ये वाला फेस पाउडर है, ये वाला लैक्मे का है, लेकिन ये मैं कहीं आना जाना हो ना तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, उस दिन शादी वाले दिन मैंने यही लगाया था, तो इसलिए यही अभी आपको लगा के दिखाऊंगी। वैसे एक और नॉर्मल वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है।
और लाइनर मेरे पास इनसाइड का भी ख़त्म हो गया है, ये लैक्मे का है और ये ब्लू हेवन का है, ये तो भी ओपन भी नहीं किया, ये भी न्यू है अभी, दिस वन ये भी न्यू है। और ये काजल है, अभी सामान ढूंढते ढूंढते मुझे ये काजल मिला, मैं सोची थी मेरा काजल ख़त्म हो रखा है, ये भी ब्लू हेवन का है। और इसके अलावा सिंदूर है, ये तो लोकल ही है, ये मुझे दिया था किसी ने, कहीं मंदिर से आया था ये, अभी मुझे याद नहीं मुझे दिया किसने था। और इसके अलावा ये ब्रशेज हैं, मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊंगी, मेरे पास गाज़ियाबाद में पड़े हैं काफ़ी सारे ब्रशे, देखो पूरा डब्बा भरा हुआ। और ये दो सेट हैं, और एक सेट नहीं है दो सेट हैं ये, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, हमारी उंगलियाँ जिंदाबाद, मैं अगर यूज़ करती हूँ तो सिर्फ एक होता है ये वाला ब्रश है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ हाईलाइटर वगैरह लगाने के लिए, और पिछले काफ़ी टाइम से मैं हाईलाइटर लगा भी नहीं रही हूँ। ये है हमारा सामान, और ये बहुत प्यार से मैंने लिया था, लेकिन सिंगल एक बार भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ, आपको उसका कलर ही बता रहा होगा, ये अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं हुआ, ये बस ले रखा है खाली मैंने दिखावा करने के लिए कि अब उनके पास भी है। तो चलिए अभी आपको मैं सामान फटाफट से यूज़ करके दिखाती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए कि मैंने फ़िलहाल फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा, सुबह से बिल्कुल फ्री फेस है, बेबी क्रीम तक नहीं लगा रखी आज मैंने फेस पे, कि मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। इसलिए तो झटपट से करने वाला नॉर्मल मेकअप जो मैं करती हूँ शादी ब्याह में, कहीं पे भी जाना हो थोड़ा बहुत मैं ये वाला मेकअप करती हूँ, क्योंकि कुछ खास अपने को आता नहीं है, कहीं से कुछ सीखा नहीं है, तो आप लोग ये चीज़ तो मत करना कि दीदी ये चीज़ ऐसे होती है ये चीज़ वैसे होती है, जो जैसे आता है वैसे मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले बेबी क्रीम ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे फेस पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे, ये नहीं कि बस हल्का सा ऐसे लगा लिया और हो गया, थोड़ा सा फेस को रिलैक्स कर रहा है, थोड़ा सा मसाज सी दे दो हल्की सी हाथ से, अरे मज़ा ही आ गया। कई लोग प्राइमर यूज़ करते हैं है ना, तो वो अपनी अपनी चॉइस है, जिनको जो सही लगता है, मैंने शुरू से यही लगा रखी है तो मैं यही लगाती हूँ, और सेकंड नंबर पे ये। और जल्दबाजी में मेरा नॉर्मली मेकअप जो आप पूछते हो कि दीदी नॉर्मली आप क्या लगाते हो, तो मैं क्या करती हूँ बेबी क्रीम को और ये वाली जो है मेरी फाउंडेशन, दोनों को मिक्स करके फटाफट से ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे किया और जस्ट लिपस्टिक बिंदी लगाई, दैट्स इट। ये मेरा डेली वे जो मैं डेली नॉर्मली व्लॉग बनाती हूँ, जो आप कहते हो दीदी कि फेस पे ग्लो लग रहा है कुछ भी लग रहा है, जो मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ उसमें मेरा मेकअप यही होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं होता, कौन लेके बैठेगा इतना सामान और किसके पास इतना टाइम हो रहा है, तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे लगा लेंगे। देखिए कोई प्रोफेशनल नहीं है, कुछ आता नहीं है, बस जितना आता है थोड़ा बहुत जो मैं करती हूँ वो आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इस पर जजमेंट तो प्लीज़ मत देना, लेकिन हाँ अगर बाय चांस आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए गलती से तो ज़रूर बता देना, और उसको भी अच्छे तरीके से पूरे फेस के साथ मिक्स कर लेंगे। ये ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़े से में ही हो जाता है, मतलब जिनकी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ऑयली है तो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको ट्राई कर सकता है, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है वो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि फेस फिर आपका खुश्क हो जाएगा, क्योंकि भूपी जी ने लगाया था, उनका फेस ना खुश्क है तो उनके फेस पर अलग से चमक रहा था, ये उनकी स्किन ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, तो मज़ा तभी आता है जब स्किन में अच्छी तरीके से वो आपके मिल जाए और पता ना लगे कि ये मेकअप है या नहीं है। और मेरे को यही होता है कि अगला यूँ ना बोले कि पता नहीं कितना मुंह पे थोप लिया कितना क्या कर लिया, नेचुरल सी चीज़ लगे ना वो अच्छी लगती है, ज़्यादा ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप देख सकते हो फेस पे अच्छे तरीके से हमारी फाउंडेशन गायब हो चुकी है अभी, तो इसके साथ ही अभी मेरा ये जो लैक्मे वाली फाउंडेशन है, फाउंडेशन कर रही हूँ, फेस पाउडर है, अभी मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, मेरे को ना जैसे ब्रशेस वगैरह सब पड़े हैं, लेकिन मुझे उंगलियों से ही ज़्यादा पसंद है मेकअप सेट करना, मुझे ऐसे लगता है कि उंगलियां भगवान ने दी ही मेकअप सेट करने के लिए हैं और दूसरा चावल खाने के लिए दी हैं चम्मच वगैरह तो फालतू में ही है तो इक्वली इसे भी लगा लेंगे। गर्दन पे ज़रूर साथ साथ में कर लिया करो, क्योंकि फिर गर्दन अलग ही चमकती है, और एक माथे की ये चीज़ ना ऊपर वाली, इससे साफ पता लग जाता है कई लोगों का कि भैया मेकअप अच्छे से करना नहीं आता या अच्छे से सेट नहीं हो रखा। लीजिए डन हो गया, अभी लग रही हूँ ना गोरी गोरी सी हो गई हूँ मैं
नॉर्मल तो वैसे मैं नहीं लगाती, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं हल्का मेकअप करके दिखाई रही हूँ, तो थोड़ा कर ही लेते हैं। मुझे ड्रेस के साथ मैचिंग शेडो आई शेडो लगाने से बेटर लगता है कि जो ये रहते हैं ना हल्के हल्के से शेड, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं, तो मेरे को होता है कि ये वाला लगाओ, ये ज़्यादा बेटर है। हाथ से लगा लेंगे हल्का सा। आपके पास ब्रशेज हैं, आपको यूज़ करना अच्छा लगता है आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं तो आपको देसी स्टाइल में बता रही हूँ कि फटाफट से मैं कैसे तैयार होती हूँ। मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे आईलाइनर। तो लीजिए लाइनर भी लगा लिया है। मुझे वैसे ना पूंछ वाला लाइनर बहुत अच्छा लगता है, जिसके से विंग्स निकलते हैं ना वो वाला मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे लगाना नहीं आता। मैं जब भी लगाती हूँ ना, मेरा एक विंग ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है, ये ऐसे 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 हो जाता है, फिर मेरे को मुंह धोना पड़ता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वो लगाती नहीं हूँ। और मैं जब भी मेकअप करती हूँ, मैं हमेशा अपनी रिंग्स उतार देती हूँ, मुझे आदत है ये गंदी वाली, मैं कुछ भी नहीं रखती हाथ में लगाते समय फेस पे मेकअप। तो लीजिए हम हो चुके हैं रेडी, और यही है हमारा मेकअप हल्का फुल्का सा। लीजिए हो गई आपकी आरती दीदी तैयार, लिपस्टिक लगा लेते हैं। आप सबको जो अच्छी लग रही है वही वाला शेड लगा रही हूँ, रेड वाला। जोगी जी नींद न आवे, जोगी जी आ जोगी जी। हाईलाइटर ट्राई करके देखें, चलो अभी ट्राई कर ही लेते हैं। आज खुल जाओ सिम सिम, आज ये पहली बार ट्राई होने वाला है। कहाँ से खुलेगा, फिर मैं तोड़ ही ना दूँ इसे। चलिए भी हाईलाइटर का डब्बा खुल गया है काफ़ी मशक्कत के बाद, तो चलिए आज फर्स्ट टाइम आपके सामने लगाने लगी हूँ। देखा अलग ही शाइन सी आ जाती है फेस पे। जो कि जी प्रेम का रोग लगा, मैं कैसा लग रहा हूँ। और अभी एक चीज़ आप और कर सकते हो, हल्का सा लेके ना इसको इन चीज़ों पे लगा लो हाइलाइटर, अच्छा लगता है आँखों की, या स्टार्टिंग पे लगा लो थोड़ा थोड़ा। ये बात अब इस मेकअप के ऊपर आप फिक्सर भी मार सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आपको मेरी मेकअप वाली लुक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो यही मेरा नॉर्मल मेकअप है, जो मैं नॉर्मली पार्टी में भी जाती हूँ तो यही मेकअप करके जाती हूँ। और नॉर्मली वो मैंने आपको बता दिया, जस्ट फाउंडेशन और बेबी क्रीम मिक्स करो, फेस पे थोप लो, दैट्स इट। ये हमारा मेकअप है, और बिंदी और लिपस्टिक तो मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी मेकअप में। और मांग भर लेते हैं थोड़ी सी और। मुझे मैं सुंदर सी लग रही हूँ, आपको लग रही हूँ? ज़रूर कमेंट करना और तारीफ़ करना मेरी अच्छी वाली। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मुझ तो इतना तो वेदान दे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे कि कुछ बोलते हैं कि दीदी बीच से मांग निकाला करो, कुछ कहते हैं कि दीदी साइड से मांग निकाला करो, कुछ कहते हैं कि दीदी डेली लाइनर लगाया करो, कुछ कहते हैं मत लगाया करो, कोई कहते हैं कलरफुल लाइनर ज़्यादा सूट करता है, कुछ कहते हैं ब्लैक लाइनर आप पे ज़्यादा सूट करता है। मतलब सबके अलग अलग रिव्यू है कि दीदी आप ऐसे क्या करो, आप ऐसे क्या करो। कुछ कहते हैं कि न्यूट शेड लगाओ लिपस्टिक का, कुछ कहते हैं कि डार्क शेड लगाओ लिपस्टिक के। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे फेस पे सच में क्या चीज़ है जो ऐसी सूट करती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आप डेली ब्लॉग देखते हो, देखने वाले को ज़्यादा पता लगता है। तो आप लोग बताना कि कौन सी चीज़ें मेरे पे ज़्यादा सूट करती है, बिंदी बड़ी लगाऊँ छोटी लगाऊँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सुजेशन ज़रूर
देना। तो आज का ये जो व्लॉग है ये पूरा मेकअप के ऊपर ही हो गया है कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। आपके काफ़ी टाइम से आ रहे थे कमेंट्स, तो मैंने कहा चलो करके दिखा देती हूँ। मैं कोई ये नहीं, मुझे घंटा दो घंटा लगता है तैयार होने में। बस साड़ी वगैरह अगर पहननी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है साड़ी सेट करने में, अदरवाइज हमारा मेकअप तो यूँ हो जाता है 5 मिनट में यूँ क्योंकि कुछ खास मैं करती नहीं, बस इतना सा ही मेरे को आता है। और ये भी मेरी भाभियों से ही मैंने सीखा है। शादी से पहले तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं ऐसे लड़कों की तरह ही रहती थी, मेकअप वगैरह करती नहीं थी, कुछ किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। तो जब शादी के समय पे सामान वगैरह खरीदा ना मेकअप का, छोटी भाभी ने सारी शॉपिंग की करवाई थी और छोटी भाभी ने मेरी जो शादी की किट है वो मुझे गिफ्ट की थी पूरी तैयार करके। तो मेरे को भाभी सामान तो आप दे रहे हो लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो तो बताओ। तो भाभी ने मुझे बताया था ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है, ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है। दोनों भाभियों ने मुझे जो ज्ञान दिया वही ज्ञान अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है। और बस इतना सा ही मेकअप मुझे आता है, बस इतने में ही मैं चमक गई हूँ, ज़्यादा करके करना भी गया है। और गर्मी लग रही है मुझे, फेस पे बार बार पसीना आ रहा है मेरे। अब मैं रिव्यू किससे लूँ कि मेरा मेकअप लुक कैसा रहा है। बाहर तो मम्मी और सो रहे हैं, किसको बोलूँ। मम्मी को वीडियो कॉल करती हूँ, आज पापा का भी ऑफ है, पापा भी घर पे ही हैं। तो चलिए मायके में कॉल लगाते हैं वीडियो कॉल और उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। नमस्कार माता श्री। नमस्कार पिता श्री। सौभाग्यवान हो बेटा, जीते रहो, क्या हाल चाल है। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक है बेटा। लंच हो गया? लंच कर रहे हैं अभी। अच्छा, आज पापा की छुट्टी है, पापा छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं? दोनों ही हो घर में है ना? किसी तो आया दिल्ली है ना? सही है। अच्छा, मैंने ना पापा भी मेकअप किया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसी लग रही है मम्मी शक्ल मेरी? अच्छी लग रही है। लगा रखा है, हल्का हल्का लगाया, ज्यादा गाढ़ा नहीं लगा रखा। अच्छा लग रहा है। मम्मी को भी नो लगा, देख लो मेकअप की। मम्मी कह रही लाइनर नहीं लगाया। ओ गुजारे लायक ठीक है और क्या। हाँ जी, लंच कर लिया कि नहीं? नहीं पापा, हमारा लंच नहीं होता, हमारा ब्रेकफास्ट होता है, सुबह सीधा डिनर होता है। मम्मा पापा को तो मेरा झटपट किया हुआ मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स करके। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तैयार हुई तो रील्स भी बना लेती हूँ। 2-3 रील्स बनाई हैं अभी जो आपको इंस्टा पे देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपने इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, आरती भट्ट जोशी, सेम ही नाम से अकाउंट है वहाँ पे भी। और बस अब मैं सोने लगी हूँ, बस मेकअप रिमूव करती हूँ फिर आराम से सोऊंगी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करना। और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहो और किसी वीडियो के लिए बोलना चाहो तो ज़रूर बोलना, आपके कहे अनुसार ज़रूर मैं व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ए आइए आहा आहा।